आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार को यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को बंद करने को लेकर आवेदन दिया। इस विषय पर महानगर इंदौर अध्यक्ष संदीप मिश्रा का कहना है कि पिछले कुछ समय से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण का प्रयास करने के लिए नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसी षड्यंत्र के अंतर्गत मुस्लिम युवकों को भड़काकर देश के संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की सेना, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अचानक मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, अपितु यूपीएससी में भी इस्लामिक स्टडीज के द्वारा आईएएस आईपीएस की संख्या अचानक बढ़ रही है। इसलिए उर्दू की कॉपी बनाने से लेकर और कॉपी जांचने वाले सभी मुस्लिम होते हैं, इसलिए गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसी आशंका के निराकरण को लेकर इंदौर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और कहा, हमारी मांग को गंभीरता से ले और राष्ट्रीय एवं सनातन धर्म के गीत में इसे पूरा करने की कृपा करेंगे और पुलिस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की कृपा करें। स्पार्क इंदौर अपर कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेने का आश्वासन दिया। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। भारत सरकार यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को बंद करने बाबत महोदय, पिछले कुछ समय से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण करने का प्रयास करने के लिए नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसी षड्यंत्र के अंतर्गत मुस्लिम युवकों को भड़काकर देश के संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की सेना, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अचानक मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। यूपीएससी में भी इस्लामिक स्टडीज के द्वारा आईएएस आईपीएस की संख्या अचानक बढ़ रही है। महोदय, उर्दू की कॉपी बनाने से लेकर और उसकी कॉपी जांचने वाले सभी मुस्लिम होते हैं, इसलिए गड़बड़ी की घोर आशंका रहती है। इसी विषय को लेकर संगठन के खिलाफ देश विदेश के जिहादी तत्व संगठित होकर साजिश रच रहे हैं। यूपीएससी बिहार खाते को सामने लाने के बाद देश विदेश में आतंकी संगठन एकजुट होकर चैनल पर हमला कर रहे हैं। प्रकाश फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए लिंक होने के अंडेशन इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान सुदर्शन चैनल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। साजिश करने वालों ने न सिर्फ माननीय न्यायालय को गुमराह किया बल्कि गलत तत्वों के द्वारा बिहार बोर्ड के यूपीएससी बिहार के आगे आने वाले एपिसोड पर इसके भी लगवाया। प्रोग्राम पर लगी रोक अथवा आज प्रधानमंत्री के नाम से मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है सभी जिलों में हमारा ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में यह मांग की गई है जो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है इसमें इसका इस्लामीकरण किया जा रहा है और इसमें जो इस्लामिक स्टडी हो रही है इसमें एक उर्दू भाषा का चयन होता है जो कि जितने भी जिहादी लोग हैं उस भाषा का चयन करते हैं और उस भाषा की जो कॉपी चेक करते हैं उसमें भी सारे के सारे मुस्लिम लोग भरे हुए हैं, जिससे कि उसमें गंभीर से गंभीर जो है उसमें है ना घोटालेबाजी चल रही है, जिसके कारण आईएएस आईपीएस की जो ज़्यादा कुर्सियों पर जो है आजकल इस्लामिक लोगों का जो है कब्जा हो रहा है। हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि इस पर तुरंत से तुरंत जांच की जाए और इसमें जकात फाउंडेशन जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई से इसकी जाँच करवाई जाए। और जो सुदर्शन न्यूज़ ने जो अभी इसके खिलाफ अभियान छेड़ा था, जिसके ऊपर सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ ये लोग जो साजिश रच रहे हैं, हम सुदर्शन न्यूज़ के साथ हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करें और ये जो चीज़ चल रही है, ये जो घटना हो रही है, इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए और इसकी सत्यता तक पहुंचा जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा इंदौर। आज हमने यूपीएससी प्रदेश को बंद करने के लिए कलेक्टर महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री महोदय के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया है। पूरे देश भर में भारत में इस्लामिक संगठनों द्वारा देश भर के जितने भी संसाधन हैं उन पर कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये अभी तक तो देश के सांसद विधायक जिताने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे, लेकिन जब इनको लग रहा है कि भाई ये भारत पे कब्जा नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और अब ये पूरे देश के अंदर यूपीएससी के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से देश भर के सरकारी कार्यालयों में अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं और उर्दू पाठ्यक्रम के माध्यम से बड़े षड्यंत्र करके ये लोग अपने लोगों को, अपने ही मुस्लिम लोगों को कलेक्टर एसपी बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि यूपीएससी में जो एक षड्यंत्र पूर्वक अचानक आईएएस और आईपीएस मुस्लिमों की बाढ़ आ गई है, ये जिहादी तत्वों का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, तो इसकी जाँच की जाए और यूपीएससी से इस्लामिक स्टडी को बंद किया जाए। इस संबंध में महोदय द्वारा आपको क्या कहा गया, आश्वासन दिया गया क्या? जी हाँ, हमें आश्वासन दिया गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा ज्ञापन दे रही है इस विषय को लेकर के और सुदर्शन न्यूज चैनल ने इस विषय को अभी उठाया था, पूरी सीरीज दिखाई थी इस विषय पे, वही विषय को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। आपका नाम व पद?
जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।